यहाँ पे आपको विजयनगर घाट के दर्शन होते हैं, इसके बगल में ही केदार घाट है। केदार घाट सो आप चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। जय हो प्रभु। यहाँ पे बाबा का जयकारा लग रहा है और इस समय सब लोग द्वार के बाहर ही खड़े हैं, क्योंकि अंदर बाबा के अभिषेक किया जा रहा है और वहाँ पे आसपास को सफाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे होने जा रही है आरती। सो अभी आरती का दर्शन आपको दुर्लभ दर्शन प्राप्त होंगे और जो सफाई हो रही है, दूध अभिषेक, उन सब के दर्शन मिलेंगे आपको। सो चलिए दर्शन करते हैं और देखिए वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, अब वो अब स्टार्ट करने वाले हैं अभिषेक। आपको पहले प्रथम दर्शन हो रहे हैं बाबा केदारनाथ के, कितने खूबसूरत दर्शन है। दर्शन का लाभ लीजिए और मंत्रमुग्ध हो जाइए इस दर्शन से। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने दर्शन पाने का महादेव का। अभी बाहर के भी जितने मंदिर उनके भी दर्शन कराने का आपको प्रयास करेंगे। अब ये देखिए दूध अभिषेक हो रहा है बाबा भोलेनाथ पे, बाबा केदारनाथ पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो भोलेनाथ, जय हो। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है ये। और यहाँ पे अब होने जा रही है आरती। जय हो बाबा, जय हो। बाबा केदारनाथ तो अभी तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन वाराणसी में केदारनाथ बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो आपको भी कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। जय हो भोले बाबा, जय हो, जय हो, जय हो। बाबा की आरती हो चुकी है और अब जितने भी भक्त जन हैं उन सबको बाबा के दर्शन करने के लिए बुलावा आ गया है। सो हम सब लोग हाथ में दूध का गिलास लिए जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। बोलो बाबा केदारनाथ बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही भीड़ है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आपको भैरव बाबा के दर्शन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बहुत ही साक्षात दर्शन कराने का प्रयास करेंगे बाबा केदारनाथ का। जय हो बाबा, जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपको प्रथम दर्शन होते हैं गणेश भगवान के। जय हो बाबा, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो बाबा, जय हो, जय हो बाबा, जय हो। यहाँ पे आरती रख दी गई है, आप आरती दर्शन कर सकते हैं। जय हो भोले बाबा, जय माता दी, जय भैरव बाबा, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री गणेश भगवान जी की जय। जय हो, जय हो केदारनाथ बाबा की। साक्षात दर्शन आपको मिल रहे हैं केदारनाथ बाबा के, दर्शन कीजिए आप लोग, बहुत ही खूबसूरत दर्शन। जय हो केदारनाथ बाबा, जय हो, जय हो बाबा, जय हो। Thank you.
सो दोस्तों केदारनाथ बाबा के दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे घाट के, केदारनाथ घाट के दर्शन होने के बाद आगे चलते हैं। और इस टाइम पे लगभग 45 मिनट तक हम यहीं पे रुके रहे क्योंकि आरती हो रही थी, भोग लग रहा था, उसके बाद दोबारा से उन्होंने अलाउ किया। तो चलते हैं आगे और आपको आगे बाकी घाटों के दर्शन कराते हैं। सो दोस्तों इस टाइम पे आपको दर्शन होते हैं चौकी घाट के, मानसरोवर। सो दोस्तों अब आपको दर्शन होते हैं शिमेश्वर घाट के, शिमेश्वर घाट। आज से मैं आप लोगों को दोस्तों नहीं कहूँगा, एकदम से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि आज से आप लोगों को भक्तों कहूँगा। भक्तजनों अब हम जा रहे हैं शिमेश्वर घाट से मानसरोवर घाट की ओर। चलिए मानसरोवर घाट के दर्शन कराते हैं आपको। सो यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं मानसरोवर घाट के, मानसरोवर घाट। मानसरोवर घाट के बाद आपको दर्शन होते हैं नारद घाट के, नारद घाट। मानसरोवर घाट वो थी, अब ये है नारद घाट। यहाँ पे कुछ घाट की दूरी बहुत बड़ी बड़ी है और कुछ घाट बहुत पास पास हैं। जब हम लोग उस साइड मणिकर्णिका घाट के उस साइड चल रहे थे नमो घाट तक तो केवल 30 घाट हुए थे, और उतनी ही दूरी इस साइड मणिकर्णिका घाट के इस साइड पे चलते हैं तो 42 के ऊपर घाट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। अब आपको दर्शन होते हैं राजा घाट के, राजा घाट। राजा घाट के बाद आपको दर्शन होते हैं पांडे घाट के, अब आपके दर्शन होते हैं दिग्पति घाट। अब आपको दोस्तों दर्शन होते हैं चौसठी घाट के, इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत पॉज करके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जंग खा गया, इसे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। चौसठी घाट। ये रहा राणा महल घाट। जय हो प्रभु जय हो। ये देखिए पूरा बना हुआ है महल। यहाँ पे ये है दशवांगा घाट। ब्रज रामा पैलेस। दरभंगा घाट। जय हो प्रभु जय हो। जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली बाबा की जय हो। मुंशी घाट।